जब सदीगुंड में ना, सदीगुंड तो उधर है, ये प्रतिमा बनाई गई है जब हवन में मृत शरीर को लेकर खड़े थे माता शती को। सो हंसी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 9 बज गया और नवाब की तरह उठ गया। देखो धूप कितनी तेज आ गई। ये देखो भाई, अच्छी ड्यूटी है ना, है मजा आ रहा है। हाँ भाई, चले जिम, 2.5 किलो का डंबल उठाएंगे। चलो जिम, चलो जिम। इसका तो पहले से सो जा, हाथ पे 2.5 किलो का हाथ है इसका। 2.5 किलो का है हाथ। ए स्माइली। बाय बाय। कर लिया अभी आज का सेट पूरा कर लिया भाई। आज था शोल्डर डे, तो 5 एक्सरसाइज करी शोल्डर के 3-3 रैप के, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड 12-12 रैप के 4 सेट, ठीक है। उसके बाद बाकी के 3 जो करे वो थे, क्योंकि पंप हो चुका था ना पूरा शोल्डर, तो इस वजह से। एंड जब मैं आया था तो लड़के थे 2 चले, अभी चले गए, मैं अकेला हूँ। देखो पूरे जिम में नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि रात में मैं लेट सोया था यार, मेरी गलती की वजह से। पर उस गलती की वजह से जिम को स्किप करना तो और बड़ी गलती हो जाती, तो इस वजह से जिम तो आना ही था। चले वापस भाई। आज है शिवरात्रि, यानी कनखल जा रहे हम, जहाँ पे भगवान शिव की शादी हुई थी, मतलब जहाँ पे दक्ष थे ना, दक्ष प्रजापति जी महाराज, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो भगवान शिव की बारात आई थी आज ही के दिन। तो आज हम शिवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे सती कुंड वगैरह है, तो पहले शिव दक्षेश्वर महादेव को जल अर्पित करेंगे। ज़्यादा सुधेंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब ना पूजा पाठ करने जा रहे हैं आज, और वहाँ पर जाके सुकून तो मिलता ही यार। भोले बाबा के किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी में, और मिल जाता है। मतलब वो होती है ना आस्था, एक ही भगवान के लिए होती है वो दिल में। वो भीड़ आज निकल के कितने भाई, जिंदगी में नहीं देखी मैंने भीड़ इतनी, तो जितनी हो रही है, कितनी लंबी लाइन बना दी है। पहुंचने वाले हैं बस। ये तपकी फोटो है बनाई गई है जब सदीगुंड में ना, सदीगुंड तो उधर है, ये प्रतिमा बनाई गई है जब हवन में मृत शरीर को लेकर खड़े थे माता शिव। लाइन लाइन में से घूमते रहो, इसमें ये घंटे लगने हैं आज। ये है मंदिर, एक घंटे हो गए भाई, 2-2.5 घंटे लाइन में लगे लगे आज इतनी भीड़ हो रही है। ये क्या मंदिर है जहाँ दीपक जलाया जाता है, मेन मंदिर ही है यहाँ पे, ये राधा कृष्ण का मंदिर। दीपक जलाने का सीन वाली भीड़ खत्म, कसम से सारे भक्त आज ही आ रखे हैं। वो डेकोरेशन होगा रात में ना, तब ज़्यादा सही लगेगा, अभी तो ठीक है। पूजा पाठ 2 घंटे लग गए, 4 बज गए, 2 घंटे लग रहा पूरा। बोले बाबा की शादी का बाइक चलाओ, जल्दी चलाओ चलाओ, तुम्हारी रील बना दो। हैं? कहाँ डालोगे, कहाँ डालोगे रील? तुमसे बड़ा हेलमेट है ये, है ना यार। वहां से आके सो गया था, मेरे को जुखाम लगती है फिलहाल। फादर वादा रखे हैं एटीएम। रात हो गई यार, 9 बज गए, एंड जुकाम भी हो गया यार। एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो बताना था आज मेरे साथ, हुआ भी खड़ा हो जाता हूँ तो क्या हुआ ना, जैसे ही कनखल हम लाइन में लगे थे ना, मैं और मम्मी के साथ गया था कनखल, तो वैसे तो यार देखो मैं ना सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ना वैसे जैसे जिस दिन शिवरात्रि वगैरह होती है उस दिन ही
मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरा डेली का उधर है तो मेरे को सुकून से वैसे लगता है कि मतलब अकेले में चले जाओ। बट मम्मी थी तो जाना पड़ा। जैसे ही मैं लाइन में लगाना भाई, एक मैसेज आता है मेरे पास एडवांस पेमेंट का। हमारी एक साइट चल रही थी भाई, बहुत मतलब किचपिच हो रही थी, उसमें फंसा हुआ था कि साइट आएगी नहीं आएगी, वो वाला सीन था। एंड उसका भाई एडवांस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आया मेरे को, और मेरे को कॉल आया कि एडवांस पेमेंट करके आगे का प्रोसेस करवा दीजिए। ठीक है भाई, जैसे ही लाइन में लगा तो भाई एक अलग ही मतलब फीलिंग आई भाई, मज़ा सा आ गया कि भाई डील क्लोज हुई। एंड एक और अपडेट देनी थी यार कि एक मेरा दोस्त है जो हमारे मतलब रीवा गया है, रीवा का। देन उसका लाइक उसने रिज़ाइन करके न्यू कंपनी ज्वाइन करी है गुजरात में, एंड उसका बहुत तगड़ा प्रमोशन हो गया। इनफैक्ट अगर मान लो आप डबल हो गया, डबल भी नहीं तो 70% इंक्रीमेंट हो गया है ऑलमोस्ट, तो उसके लिए हैप्पी हो यार। मतलब अपना भाईचारा वाला था, मतलब बिल्कुल ना कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मतलब बिल्कुल कि भाई मेरे मार्केट में ये चीज़ें चल रही। जैसे होता है ना कि अगर हम एक ही काम कर रहे हैं तो भाई एक शहर में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो तू उस चीज़ को कैसे फेस कर रहा है, तो वो चीज़ मतलब रियल बॉन्डिंग अगर किसी के साथ ही मेरी इसमें तो उसी के साथ। एंड थी का मतलब ये नहीं है कि आगे भी चलेगी यार, वो गुजरात ट्रांसफ़र हो रहा है, बट खुशी हो रही है सीरियसली बता रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मेहनत भी करता था भाई, क्योंकि मुझे पता है ना इस चीज़ में। बस यही यार, आज शाम को इसलिए नहीं आया क्योंकि सुबह में नहा चुका था, एंड आते टाइम लस्सी पी लिया, मेरे को जुकाम हो गया। बट इस वजह से नहीं, क्योंकि एक बार नहा लिया था तो ठीक है। जस कल की छुट्टी है, सो कल का देखते हैं भाई कहीं तो। बट यार एक ना अंदर से थैंक यू निकला, मतलब ऐसा समझो ना यार, गेट पे जाते ही लाइन में लगाओ और एडवांस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आता है जो साइट, वही यार कहते हैं ना, देने वाला ऊपर वाला है भाई। तुम ना बस कोशिश कर सकते हो और उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम क्या मैं भी भाई, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। सो चलते भाई फिलहाल नीचे जाते, चलो भाई मिलते हैं कल न्यू जर्नी में। कल का दिन कैसा होगा उसके लिए आज की रात क्यों ख़राब करें, तो आज अच्छे से सोते हैं, कल का कल को देखेंगे यार। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।